साल 1885 में स्कॉटलैंड के ग्रैंगमाउथ डॉकयार्ड में एक शिप का निर्माण किया गया था, जिसे लोग बिजली के नाम से भी जानते थे। ये वो टाइम था वैन समुद्री यात्रा के लिए मॉडर्न शिप का युग शुरू हो चुका था। एसएस बैतरना, जिसे लोग बिजली कहते थे, उस समय का अत्याधुनिक शिप था जो नॉट ओनली बिजली से बना था बल्कि इसमें बल्ब भी लगाए गए थे। बट एक दिन 740 लोगों के साथ यह अचानक तूफान में गायब हो गया। समुद्र की गहराइयों में कई ऐसी मिस्ट्री छुपी होती हैं जो टाइम के साथ धुंधली हो जाती है बट पूरी तरह से खत्म नहीं होती। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस शिप की जर्नी मांडवी और बॉम्बे के बीच थी एंड लोग इसे काफी सेफ और विश्वसनीय ट्रांसपोर्ट का साधन मानते थे। शिप की लंबाई 170.1 फीट थी एंड इसमें 25 केबिन थे। इसके दो बड़े मास्ट एंड एक विशाल इंजन था जो कि 73 हॉर्स पावर की शक्ति रखता था। इसकी ओनर एजे सेफर्ड एंड कंपनी थी एंड इसे ग्लासगो में रजिस्टर किया गया था। मांडवी और मुंबई के बीच की यात्रा का जो इसका किराया था वो 8 रुपए था, लेकिन इसके लिए ये 8 नंबर काफी दुखदायी होने वाला था। 8 नवंबर 1888 का दिन था। बेन ये सिर्फ मांडवी पोर्ट पर अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार था। दोपहर के समय लगभग 520 पैसेंजर्स एंड 43 क्रू मेंबर्स जहाज पर सवार हो चुके थे। जहाज ने दोपहर के बाद द्वारका के लिए प्रस्थान किया। वहां से और भी पैसेंजर सवार हुए थे एंड टोटल नंबर 520 से बढ़कर 703 हो गए। सब कुछ नॉर्मल था बट उस दिन समुद्र का मौसम अनुकूल नहीं था। जैसे ही बिजली द्वारका से पोरबंदर की ओर बढ़ा तो मौसम और भी ज्यादा खराब होने लगा। समुद्र में तूफान के संकेत मिल रहे थे। हाउएवर कप्तान हाजी कसम, जो एक एक्सपीरियंस समुद्री यात्री थे, उन्होंने तय किया कि शिप को आगे बढ़ाना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पर मानते हैं कि पोरबंदर के अधिकारी लेली ने कप्तान को वार्निंग दी थी कि आगे तूफान हो सकता है, बट कप्तान उसकी बात को अनसुना कर देता है एंड शिप को बॉम्बे की ओर मोड़ देता है। रात का टाइम था एंड वो शिप अब माधवपुर के पास देखी गई थी। कुछ विटनेस का कहना है कि उन्होंने जहाज को बहुत तेज और हवाओं के लहरों से जूझता हुआ देखा था, बट इसके बाद क्या हुआ नोबडी नोज। नेक्स्ट डे जहाज को लापता घोषित कर दिया गया। इस घटना के बाद लोगों ने अलग अलग तरह की कहानियां सुनाना शुरू कर दी। कुछ कहते थे कि जहाज को समुद्र में डूबते हुए देखा गया है, तो कुछ का मानना था कि समुद्र की गहराइयों में वे कहीं खो गया होगा। जो सबसे अजीब बात थी वो यह थी कि ना तो कोई मलबा मिला था ना ही कोई बॉडी मिली थी। 746 लोग सभी समुद्र में गायब हो गए, जिनमें 703 पैसेंजर एंड 43 क्रू मेंबर्स थे। इसके बाद शिप के मलबे को काफी खोजा गया था बट कुछ भी हाथ नहीं लगा एंड लोगों ने इस पर नई नई कहानियां बनाना शुरू कर दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें।